नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ नोकिया का मीडिया स्ट्रीमर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके नॉर्मल टीवी, जो कि एंड्रॉयड टीवी नहीं है और जिसमें HDMI पोर्ट है, आप उसको एंड्रॉयड टीवी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स के अंदर देखते हैं ये क्या है। ये मैं बता दूँ, ये डिवाइस आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। ये अगर फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र चल रहा है तो आपको ये 3000 में मिल सकती है, नहीं तो नॉर्मली फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस 3500 या 3200 ऐसा रहता है। बॉक्स के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मीडिया स्ट्रीमर डिवाइस मिलता है, एक रिमोट मिलता है, एक अडाप्टर मिलता है, पावर अडाप्टर, और एक HDMI केबल मिलता है। बॉक्स के ऊपर ही इधर मेंशन किया गया है कि इसको फ्लिपकार्ट ही बनाता है। मेरे दोस्तों, कुछ साल पहले फ्लिपकार्ट और नोकिया ने एक डील साइन किया था कि कुछ प्रोडक्ट्स नोकिया यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर। जैसे कि आप देख चुके होंगे नोकिया का टीवीज, और अभी ये आया है नोकिया का मीडिया स्ट्रीमर। बॉक्स के दूसरे साइड में मेंशन किया है कि ये एक क्रोमकास्ट डिवाइस है, क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है, ब्लूटूथ है इसमें, Z5, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्रीलोडेड आते हैं इसमें, और ये एक एंड्रॉयड टीवी डिवाइस है। चलिए दोस्तों, अभी बॉक्स को खोल के देखते हैं। ये मैं भूल गया बताने के लिए, बॉक्स के ऊपर देखिए यहाँ लिखा है 4999 रुपये है, बट इसको कम पैसा में मिलता है इंडिया में, और इधर भी लिखा है कि एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है। चलिए दोस्तों, इसको खोल के अभी देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमको क्या मिल रहा है। बॉक्स को खोलते ही यहाँ पे हमको एक सेकेंड तीन बॉक्सेस मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है, फिर ये एक बॉक्स है, इसके साथ यूज़र मैनुअल है, ये अपना मीडिया स्ट्रीमर है, और एक बॉक्स भी है इसमें, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। चलिए हम एक एक बॉक्स अभी खोल के देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये यूज़र गाइड है, यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझाया जाता है कि किस तरह से आप इस डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं। आपको एक गूगल का अकाउंट ज़रूरत पड़ेगा, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे यहाँ पे एडवर्टाइज हुआ है, आपको एक वाईफाई डिवाइस का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है ये मीडिया डिवाइस। इसका साइज़ बहुत छोटा है, ये देखिए, ये क्रोमकास्ट है मेरे पास, क्रोमकास्ट के साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथ में रख के। इसका डिवाइस का साइज़ लगभग क्रोमकास्ट के जैसा ही है। अगर हम क्रोमकास्ट को रखते हैं, क्रोमकास्ट से थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है, और अगर वेट के हिसाब से बता जाऊँ तो क्रोमकास्ट थोड़ा हैवी है, और ये क्रोमकास्ट 2 है, और ये नोकिया मीडिया स्ट्रीमर थोड़ा हल्का है। चलिए दूसरे बॉक्स पे देखते हैं क्या है। इसमें खोलेंगे तो दो बैटरी हैं, इसका मतलब इसी बॉक्स में हमको रिमोट भी मिलेगा। ये रहा रिमोट, तो ये देखिए पावर बटन है, गूगल असिस्टेंट का बटन है यहाँ से, इसका मतलब आप वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। ये आपका नेविगेशन बटन है, होम बटन है, और वॉल्यूम अप डाउन भी है, म्यूट बटन भी दिया गया है, और डायरेक्ट में आपको नेटफ्लिक्स और Z5 का बटन दे रहा है। इसको साइड में रखते हैं। तीसरी बॉक्स में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस बॉक्स में खोलते ही इसी में आपको पावर का अडेप्टर मिलता है, और ये USB-A में है, और इसी के अंदर हमको मिल रही है, ये है आपका HDMI केबल, जो कि इसका इस साइड में लगेंगे और HDTV पे लगाएंगे, और ये आपका पावर केबल है, ये USB पोर्ट से यूज़ होके, ये आपका माइक्रो USB है, देख सकते हैं ये माइक्रो USB है, ये यूज़ होगा इसमें इस तरफ से कनेक्ट करने के लिए। और ये दोस्तों, मैं एक नया चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ, ये डिवाइस में आपको IR सेंसर दे रहा है, मतलब इंफ्रारेड सेंसर, पता नहीं ये क्यों, मुझे लग रहा है कि ये रिमोट शायद IR सपोर्ट करता है और ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता है। सो ये था दोस्तों नोकिया का मीडिया स्ट्रीमर का अनबॉक्सिंग। आप देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर, और हम
और एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से सेटअप करते हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सेफ रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।